ये दोस्तों दिल्ली में स्वागत करती हूँ मैं। कल रात को आई एम सो सॉरी मैं ठीक से स्वागत भी नहीं कर पाई क्योंकि मैं खुद ही डिस्टर्ब थी इतना ज़्यादा कि क्या बताऊँ। एसी काम नहीं कर रहा है, एक पानी का बॉटल नहीं दिया है गाइस। ऊपर से एक तो मैं कल रात को बिना खा के सो गई थी क्योंकि खाना 12:30 बज गया था तब भी नहीं आया था। फिर आई थिंक 35 या 40 को खाना आया और मैंने उन लोगों को बोल दिया कि सॉरी मैं अब नहीं खा सकती। वैसे भी मैं ब्रश ब्रश करके सो गई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैं दोपहर को 12 बजे खाना खाई थी रिमेम्बर, उसके बाद मेरा बिरयानी रायता फैल गया था तो वो मैंने गार्ड को दे दिया। उसके बाद बस एक मैंने अमीरों वाली कॉफ़ी यानी स्टारबक की कॉफ़ी पी ली थी तो मेरा पैसा गया। मुझे अपने ऊपर हंसी आ रहा है दोस्तों। चलिए चलते हैं। मैं नहाती हूँ, नहाने के बाद सबसे पहले मैं रेडी होती हूँ क्योंकि ट्रेनिंग के लिए निकलना है। सो मैं रेडी हो गई हूँ, अब मैं ट्रेनिंग के लिए निकल रही हूँ। पहले मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, जाकर देखती हूँ क्या है ब्रेकफास्ट में। गाइस मैं अभी जा रही हूँ कपड़े बदलने के लिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द सभी के सभी वाइट शर्ट पहने हुए हैं और मुझे सचमुच नहीं पता है कि वाइट शर्ट कंपलसरी या नहीं है, बट मुझे लगा कि ठीक है कोई बात नहीं, सभी पहन रहे तो मैं भी पहन लेती हूँ। मुझे कुछ दोस्त नहीं था ना, इतना दिख रहा है, इतना सारा क्वेश्चन है। 80% मुझे लाना ही एनी हाउ, मुझे पास होना ही है, मतलब कोई चांस ही नहीं है मेरे लिए। तो मैं जस्ट नीचे गई थी, खाना वाना खा के मैं आ गई, अब मैं पढ़ाई कर रही हूँ। रियली गाइस मतलब मैं अभी कुछ भी नहीं करूँगी। आई स्टिल डिसाइडेड कि आफ्टर 5 डे के बाद ही मैं ब्लॉगिंग करूँगी। इनफैक्ट सच बोलूँ तो मुझे, मैं दिल्ली आई हूँ गाइस इतने दिनों के बाद और मैं अपना फेवरेट खाना भी खाने नहीं जाने वाली हूँ। ना ही अपना फेवरेट खाना मैं नहीं खा सकती। मुझे बहुत मन था मैं केसी में जाऊँ, केसी रेस्टोरेंट में जो कि है रामफल चौक में, वहाँ पे जाके खाना खाऊँ, बट आई स्टिल डिसाइडेड नो अनीता, फर्स्ट तेरी प्रायोरिटी है एग्ज़ाम क्लियर करना। एग्ज़ाम क्लियर कर ले फिर तुझे मैं जितना चाहे उतना घुमा के खिला दूँगी, फर्स्ट डू स्टडी। सो मैं आई थिंक 5 दिनों तक कुछ नहीं ब्लॉग बनाऊँगी, नहीं कुछ करूँगी, ओनली डू स्टडी। ज़्यादा है कि गाइस क्या बताऊँ, लुक कितना मोटा है बुक। और 80% लाना है गाइस, 80%। मैं सब यहाँ का खाना इतना घटिया है कि क्या बताऊँ, बट मैं सब कुछ भूल के स्टिल मैं नूडल्स खा के चुपचाप चली आई, आके पढ़ाई कर रही हूँ। मतलब मैं खुद के ऊपर यकीन नहीं कर पाई, मेरा स्टमक ना बंद कर रहा है उस चाउमीन को खाकर, मतलब नूडल्स को खाकर इतना ज़्यादा, मतलब जल रहा है मेरा पेट। मुझे बस डर है कि मुझे इन्फेक्शन ना हो जाए, बट फिर मुझे लगा नहीं, अगर मैं कुछ भी ना खा के आ जाती हूँ ना तो फिर मैं दिमाग में ऑल टाइम बस भूख 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 ही लगा रहेगा। सो मच बेटर कुछ खाओ आओ और पढ़ाई करने बैठ जाओ। हम लोग रात को जाएंगे, रात को जाकर सभी लोग क्वेश्चन, मतलब सभी लोग तैयारी करेंगे एप्से का। लेट्स सी क्या होता है नहीं होता है, प्लीज़ विश मी लक कि मैं
कर पाऊँ। आई डोंट नो, आई थिंक ये जो भी होए, मतलब जो ब्लॉक है आई थिंक एग्ज़ाम के बाद ही आएगा। मैं यहाँ पे हूँ 26 तक, तो अगर 26 से बात आता है तो आई होप मैं क्लियर कर लूँ, और होप नहीं, मैं क्लियर करूँगी करूँगी। और नहीं, उससे पहले मैं अगर इसको रिलीज़ करती हूँ, सो प्लीज़ विश मी लक, प्लीज़ 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 गाइस, प्लीज़। बाय बाय। हे गाइस, तो अभी 7, अभी 7 बजे हैं और ट्रेनिंग का है तीसरा दिन। आज हम लोगों को एयरपोर्ट जाने की थी, बट आज हम लोग एयरपोर्ट नहीं जा रहे, तो हम लोग आज जा रहे हैं फिर से ट्रेनिंग पे। आज हम लोगों का फर्स्ट मॉक टेस्ट बोल रही हूँ तो आज, और अगर आप लोग सोच रहे हो मैं चश्मा क्यों पहनी हुई हूँ, मुझे कुछ दिनों से आंखों में, लेफ्ट साइड में आंखों में दिखने में बहुत दिक्कत हो रहा था। नाउ सडनली क्या हुआ है मेरी आंखों में, आज मतलब मैं 5 बजे, पहले तो 3 बजे उठी थी, फिर मैं 5 बजे उठी, मतलब इतना लेफ्ट साइड के आंख में देखो दर्द है ना, ये दिख रहा है पूरा, क्या हो गया मुझे, मतलब इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। कल भी मैं पढ़ नहीं पाई थी क्योंकि कल बहुत ज़्यादा मेरे आँखों में तकलीफ हो रहा था, तो मैं सो गई थी। फिर 3 बजे इतना पेन स्टार्ट हुआ, आई रियली डोंट नो क्यों हो रहा है, बट हो रहा है, बहुत पेन स्टार्ट हुआ था। अब क्या हो रहा है, मॉर्निंग में मेरा आँख पूरा लाल हो गया था, दर्द, मतलब पानी का छींटे दिया, एक ही अच्छे से क्लीन किया, और सब कुछ करने के बाद भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ थोड़ा एटलीस्ट पढ़ने का, क्योंकि अगर दिल्ली आके मेडिकल कंडीशन के वजह से मैं एग्ज़ाम अगर नहीं दे पाई तो लालत है मुझ पे। सो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है आँखों में, बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है, कैन टेल दैट लुक, अब लोग देख रहे हो ये आंखें देखो पूरा रेड हो गया है, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। मैं सुबह सुबह सनग्लास पहन के बैठ गई, मुझे लगा एटलीस्ट आंखों को रिलैक्स लगेगा, मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा आंखों में, तो इसीलिए मैंने सोचा ठीक कोई बात नहीं, मैं ऐसे करके थोड़ा सा पढ़ लूँगी, एटलीस्ट पढ़ना है, मतलब बिना पढ़े एग्ज़ाम तो नहीं दे सकते हैं, ये मतलब कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, तो मुझे लगा आप लोगों से थोड़ा शेयर कर लूँ। अगर आप लोग आ रहे हो एग्ज़ाम देने, फिर जाओगे एग्ज़ाम देने, तो अपना टेक केयर अच्छे से करना। बाय बाय। हे गाइस, तो आज है थर्ड डे, मैं जस्ट अभी अभी जस्ट आई हूँ मैं अपना ट्रेनिंग सेंटर से, तो अभी अभी मैं जस्ट आई हूँ ट्रेनिंग सेंटर से। तो आज तो मॉक टेस्ट, आज एक्चुअली सरप्राइज मॉक टेस्ट था, किसी को कुछ पता भी नहीं था, और आज मैं फेल हो गई हूँ, और मुझे इतना कम मार्क्स आए हैं कि मैं बता नहीं सकती, मुझे पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं फेल होके तो नहीं जाना चाहती। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि मुझे ढेर सारा मेहनत करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़, मैं सुबह ही आप लोगों को बताई थी, मेरी आँखों में देख रहे हो आप लोग क्या हो गया है, एलर्जी भर गया है, और मैं देख भी नहीं पा रही हूँ ठीक से, सांस से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है मुझको। मैं कोलकाता के दिशा हॉस्पिटल में दिखाती हूँ क्योंकि वहीं सबसे बेस्ट लगता है मुझको। वो लोग बोलते हैं कि कोल्ड होने से ऐसा भी होता है, तो आई रियली डोंट नो गाइस, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट मैं अपना बेस्ट देना चाहती हूँ, वो मैं दे ही नहीं पा रही हूँ। सच बोलूँ तो अगर मैं ठीक से पढ़ूँ तो मैं पास हो जाऊँ, मुझे अच्छे से पता है, बट मैं वही कर नहीं पा रही हूँ गाइस। मुझे लगता है सारे मेरे एक्सक्यूज है, मुझे, मैं चाहूँ तो मैं पढ़ सकती हूँ, मैं वही नहीं कर पा रही हूँ। लेट्स सी, बताइए 26 के बाद क्या होता है।
रिलेटेड ओनली एयरक्राफ्ट नॉट रिलेटेड गाइस, बाहर इतना तेज बारिश हो रहा है, लोग पूरा पानी से भर गया है, इतना ज़्यादा तेज बारिश आ रहा है, ऊपर से इतना जोर जोर से बादल गरज रहा है। हे गाइस, तो जस्ट मैं अभी अभी आई हूँ और गेस व्हाट, मैं एग्ज़ाम में पास हो गई हूँ। ये सच बोलूँ तो मेरी आंखों में इतना दर्द है, ये पॉसिबल नहीं होता। आई डोंट नो लाइट का क्या हो गया, आ भी गया, ये पॉसिबल सचमुच नहीं होता। बट थैंक्स टू ऑल दोस इंस्ट्रक्टर, मतलब सबके वजह से शायद मैं पास हुई हूँ। तो थैंक्स, सबसे पहले तो मैं भगवान जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी और सबको जितने भी मतलब हेल्प किए सबको मैं बोलना चाहूँगी थैंक यू सो मच। और हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा, मतलब अलग ही लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा मतलब खुश हूँ। तो अब मुझे यहाँ से बहुत जल्द निकलना पड़ेगा, पैकिंग करना पड़ेगा और यहाँ से फटाक से निकलना पड़ेगा क्योंकि मेरा फ्लाइट है। सो गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट। मैं अब ऑफिशियली अकासका स्टाफ बन गई हूँ गाइस, ऑफिशियली। अब मैं बहुत खुशी हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा। तो गाइस, आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है एक, तो मैं ये सरप्राइज़ आई थिंक मैं नेक्स्ट ब्लॉग पे डालूंगी। अगर आप लोगों को अभी तक ये ब्लॉग, छोटू सा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब।